बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डॉक्टर यासर, आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ सिस्टम्स को। बेसिकली हेल्थ सिस्टम्स का चैप्टर जो है आपकी बुक पे नहीं है, तो आप इसको सुन लें। तीन चार चीजें ही आपने करनी है। व्हाई हेल्थ सिस्टम, पहली बात यह है कि हेल्थ सिस्टम होता क्या है और क्यों जरूरी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हेल्थ सिस्टम बेसिकली कंप्रीहेंसिव सिस्टम है। किस चीज का? हेल्थ केयर डिलीवरी का। हेल्थ केयर डिलीवरी के कंप्रीहेंसिव सिस्टम को हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। अब इसके बाद इसमें कौन से स्टेक होल्डर या कौन से लोग इन्वॉल्व हैं या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? बंदे, डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स, उनकी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, पेशेंट्स इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। तीन पिलर हो गए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन पावर या जिसने सर्विस प्रोवाइड करनी है, जिसने यूटिलाइज करनी है, ये हेल्थ सिस्टम है। हेल्थ सिस्टम जो है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये सवाल आ सकता है आपका दो नंबर का कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं। नंबर वन इज हेल्थ केयर डिलीवरी। आपने हेल्थ केयर डिलीवर करनी है। आखिर किसको करनी है, क्यों करनी है? जहां पे मोर्टेलिटी ज्यादा है, जिस डिजीज की मॉर्बिडिटी ज्यादा है, जो पॉपुलेशन एक्सपोज है, जो पॉपुलेशन हाई रिस्क है, उसको आपने प्रोवाइड करना है। देन इज हेल्थ वर्कफोर्स। आपको ये डिलीवरी करने के लिए वर्कफोर्स की जरूरत होगी, ट्रेन मैन पावर, स्किल वर्कर। डॉक्टर्स को ट्रेन करें, नर्सिस को ट्रेन करें, पैरामेडिक्स को ट्रेन करें, जिन्होंने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है अपनी कम्युनिटी में जाके। अब अगर ये चीज आपने प्रोवाइड करनी है, मेन पावर में प्रोवाइड करनी है, डेफिनेटली यू मस्ट हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। यू मस्ट हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, बर्डन ऑफ डिजीज। आपको पता होना चाहिए डिजीज मोर्टेलिटी कह रही है या आपने मेटरनल मोर्टेलिटी कंट्रोल करनी है, तो आपको उसको स्टैट्स आने चाहिए। तो इंफॉर्मेशन होगी, मेन पावर इंफॉर्मेशन यूज करेगी तो हेल्थ केयर डिलीवर करेगी। अब ये करने के बाद डेफिनेटली आपने इतना प्लान बना लिया तो बेसिक मेडिसिन भी तो चाहिए। आपने मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, लाइक हार्ट अटैक की मेडिसिन। आपने लोगों को ट्रेन करना है, एजुकेट करना है, इसी वर्क फोर्स में, इसी डाटा के बेस पे लोगों को ट्रेन करना है कि ये मेडिसिन होनी चाहिए। आपने इंजेक्शन लेनी है अगर आपको चेस्ट पेन हुआ। देन अब ये सारे काम बगैर पैसे में नहीं हो सकते। देखें जो फातिमा जिना के बाइजिंग का हम कायदे आजम कहते हैं, मतलब आई मीन टू से पैसे चाहिए, बजट चाहिए। बजट कहां से आएगा? आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बिन पाकिस्तान, पाकिस्तान में डब्ल्यूएचओ प्रोवाइड करेगी। हमारे लाइफ इज इनसे रिलेटेड है। देन गवर्नेंस, गवर्नेंस या लीडरशिप की आप बात करते हैं तो लीडरशिप जो अच्छी होती है वो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेगी। आपने पॉपुलेशन की चीजें देखनी है, उनके बैरियर्स भी देखने हैं, आपने अपने वर्कर्स के प्रॉब्लम भी देखने हैं, और लीडरशिप में सबको इन्वॉल्व करना है। गवर्नेंस अच्छी होगी कि आप टारगेट आप अचीव करें। एंड ऑफ द डे यू हैव टू अचीव द टारगेट। तो नंबर वन इसके छह अगर कंपोनेंट्स हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी, हेल्थ केयर डिलीवरी के बाद वर्कफोर्स, वर्कफोर्स के बाद आप तीसरी चीज करेंगे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद आप जो मैंडेटरी मेडिसिन है या सेंट्रल मेडिसिन की बात करेंगे, उसके बाद आप बात करेंगे बजट की, देन उसके बाद आप बात करेंगे लीडरशिप या गवर्नेंस की। तो ये छह उसके कंपोनेंट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनकी जो फाउंडेशन ले करते हैं। अब ग्लोबल स्ट्रेटजी क्या है? ग्लोबल हेल्थ की आप बात करते हैं, सारी दुनिया हेल्थी हो तो ग्लोबल स्ट्रेटजी डब्ल्यूएचओ ने अगर अडॉप्ट करनी है वो ब्रॉड होनी चाहिए और फ्लेक्सीबल होनी चाहिए। ब्रॉड का मतलब यह हर जगह अप्लाई करें, फ्लेक्सीबल का मतलब हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग चेंज करे। तो डब्ल्यूएचओ ने इसके लिए कंसेप्ट दिया हेल्थ फॉर ऑल का। अलमाता में कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने ये काम करने हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? कि हर 2 से 5 किलोमीटर के अंदर एक हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए। हर कंट्री में नहीं है, वतन अजीज में 20 से 25 किलोमीटर के बाद है। नेक्स्ट, आपने जीडीपी का कम से कम 5% हेल्थ पे खर्च करना है। देन आपने मेटरनल मोर्टेलिटी कम करनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम करनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपने बढ़ानी है, और आपने पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, मिनिमम $500 होनी चाहिए। ये मेजर से कंपोनेंट थे। अब हर कंट्री में, क्योंकि प्लान वाज फ्लेक्सिबल, ये चेंज हो गए। तो आपने क्या याद रखना है? हेल्थ फैसिलिटी 2 से 5 किलोमीटर के रेडियस में, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम करें, मेटरनल मोर्टेलिटी कम करें, आप जीडीपी ज्यादा खर्च करें, आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाएं और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करें। उसके बाद अगली चीज आती है टायर्स। पब्लिक हेल्थ के टायर्स क्या हैं या हेल्थ सिस्टम के टायर्स क्या हैं? हेल्थ सिस्टम के लिए आप कह सकते हैं कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके चार टायर हैं। गाड़ी के चार पहिए होते हैं ना, गाड़ी चलती है, ये चार पहिए होंगे तो हमारा हेल्थ सिस्टम चलेगा। तो पहला पहिया क्या है कि आउटरीच सर्विसेज हैं, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। देखिए, आपने छोटे छोटे कैंप्स लगे होते हैं, छोटी छोटी डिस्पेंसरियां बनी होती हैं हर एरिया में, हर 5-10 किलोमीटर के बाद। देखिए, डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ फैसिलिटी का कहा था ना, बीएचयू 20 किलोमीटर के बाद अगर हमारा है तो आउटरीच क्लिनिक तो हर जगह होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, डिस्पेंसरी भी होती है। आउटरीच क्लिनिक में करना क्या है? वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, क्योंकि कॉमन है इन्फेंट मोर्टेलिटी, मेटरनल चाइल्ड हेल्थ को देखना है, मलेरिया को कंट्रोल करना है। देन उसके बाद हमारा अगला जीरो प्राइमरी हेल्थ केयर।
प्राइमरी हेल्थ केयर कौन से यूनिट करेंगे? बीएचयू और आरएचसी करेंगे। बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर जो है वो हमारी प्राइमरी हेल्थ को देखेंगे। वहां पे आपने फूड, वाटर, सैनिटेशन, मेडिसिन, आपने आउटब्रेक कंट्रोल करनी है, एपिडेमिक कंट्रोल करनी है, ये उसके एसेंशियल कंपोनेंट है। देन देखें, आपने प्राइमरी के बाद सेकेंडरी पे जाना है। सेकेंडरी में क्या आता है? आपका तहसील हेडक्वार्टर, आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आता है। तहसील लेवल पर नंबर ऑफ डॉक्टर भी इंक्रीज कर दें, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेशलिटी भी इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ बेड भी इंक्रीज कर दें। बेसिकली ये टायर चलते हैं ना, ये एक स्टेप वाइज अप्रोच है कि आउटरीच में कम फैसिलिटीज हैं, प्राइमरी में उससे ज्यादा है, सेकेंडरी में उससे ज्यादा है, डायग्नोस्टिक आती है। स्पेशलाइज सिस्टम है हमारा हेल्थ का, लाइक कार्डिक डिजीज के अगेंस्ट आपने कैबेज करना है, कल दिल का अस्पताल में आने, जो आपके सीएनएस की डिजीज है वो सब स्पेशलिटी की बात आती है। तो पहला स्टेप आपने लेना है ए से, देन आपने जी पे जाना है। अगर आप गौर करें हर कंट्री में यही चार किस्म की फैसिलिटीज होती हैं जिनपे हेल्थ का सिस्टम रिवॉल्व करता है। टायर जो है इनपे हमारे हेल्थ का सारा सिस्टम रिवॉल्व करेगा कि हमारा हर हेल्थ का सिस्टम है क्या। तो आपने याद क्या रखना है कि हेल्थ सिस्टम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, इसके टायर्स क्या है और हेल्थ फॉर ऑल क्या। थैंक यू। इस पर कैमरा लगा दें, बोर्ड पर लगा दें। इस पे फोकस कर दें और इस पे